हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस रॉकर्स डॉट कॉम। हेल्दी रहने के लिए डेली रूटीन में न्यूट्रिशनल फूड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 7 फूड्स की बात करेंगे जिन्हें डेली रूटीन में ऐड करना हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है। डेली रूटीन में इजीली फाइबर्स एंड ओमेगा 3 की बिग डोज ऐड कर लिए आप फ्लैक्सीड से अलसी अपनी मील्स में इंक्लूड करें। इन्हें बल्क में परचेज करें एंड इन्हें फिश, ग्रीन सैलड, योगर्ट या किसी भी मील पर स्प्रिंकल करके कंज्यूम करें। बीन्स आर फुल ऑफ सोल्यूबल फाइबर्स जो कि आर्टरी वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल के चिपकने से पहले ही सोख लेता है एंड दैट्स व्हाई इट्स गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा बीन्स में किसी भी अदर प्लांट फूड से कहीं ज़्यादा प्रोटीन होता है बट इट्स इनकम्प्लीट। बीन्स को किसी भी ग्रेन लाइक राइस के खाने से बॉडी को कम्प्लीट प्रोटीन मिलता है एंड डेली रूटीन में किडनी बीन सैलड को ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है। ब्लूबेरीज में किसी भी और फ्रूट से कहीं ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्लूबेरीज को लो फैट योगर्ट या दही के ऊपर स्प्रिंकल करके खाया जा सकता है या फिर किसी सैलड में भी ब्लूबेरीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रोकली को बहुत हेल्दी वेजिटेबल माना गया है। ब्रोकली कैंसर कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करता है एंड नंबर 1 कैंसर फाइटर माना जाता है। सो डेली ब्रोकली की सैलड कंज्यूम करना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑलिव ऑयल को दुनिया का बेस्ट हेल्दी फैट माना जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को रेज करता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आर्टरी वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप नहीं होने देते। इसे कुकिंग में भी यूज़ किया जा सकता है या फिर सैलेड पे ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग करके भी कंज्यूम किया जा सकता है। ग्रीन टी में भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक एंड कैंसर जैसे डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। ग्रीन टी में ECGC कंपाउंड होता है जो टेम्परेली मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है एंड इसीलिए ग्रीन टी को फैट लॉस में भी बहुत बेनिफिशियल माना गया है। लो फैट दही बोन बिल्डिंग कैल्शियम का एक बहुत ग्रेट सोर्स माना जाता है। इसके अलावा दही अच्छे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दही में ब्लूबेरीज, चेरीज और फ्रूट डाल के या वेजिटेबल सैलेड को दही में डाल के भी कंज्यूम किया जा सकता है। टू लर्न मोर और फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट अवर साइट fitnessrockers.com जहां आप फुल आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं एंड कुछ रिलेटेड वीडियोज भी देख सकते हैं।